मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर जनसुनवाई की और जहां प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए, वहीं संजीवनी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के फर्जीवाड़े में पीड़ित निवेशकों ने भी सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा, जिस पर गहलोत ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया और नर्सेज भर्ती 2018 में एमबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी भी जनसुनवाई में पहुंचे। सीएम गहलोत फरियादियों से मिलने के बाद काफी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रत्येक सोमवार को जनसुनवाई कर रहे हैं। अभी अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के नर्सेज भर्ती 2018 में 5% जो आरक्षण था उसका वर्गीकरण करके, पदों का वर्गीकरण करके नहीं दिया है राजस्थान सरकार ने, और अन्य भर्तियों में दे दिया है। तो उसके मांग के लिए, ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं, उनको दिया है। उनसे यही निवेदन है कि कार्मिक विभाग में आदेश दे के जल्दी से जल्दी 5% पदों का वर्गीकरण किया जाए। अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला, हाँ किया है उन्होंने और सारी भर्तियों में उन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। न्याय की उम्मीद से हम लोग आज जन सुनवाई में सीएम साहब अशोक गहलोत के पास गए थे, तो उन्होंने हमें बोला है कि किसी भी तरह की कोई लीपापोती नहीं होगी, इस पर हम कार्रवाई करेंगे।